Hello and again welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish और आज जो मैं session devote करूँगा ये session specifically है BA students के लिए, यानी कि जिन्होंने graduation में Bachelor of Arts जिसे हम BA बोलते हैं किया हुआ है या स्नातक उन्होंने BA में किया हुआ है. तो आज का टॉपिक जो है वीडियो का मैं उसी के ऊपर डिवोट कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और मैं बच्चों की काउंसलिंग भी करता हूँ, तो जब मेरा इंटरेक्शन बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के स्टूडेंट्स से हुआ तो मैंने ये पाया कि जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं या जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट होते हैं तो उनके माइंड में मैंने कहीं ना कहीं एक ये हो सकता है कि मैं स्पेसिफिक ना करूं या जिनसे मेरा तारुफ हुआ हो, लेकिन मैंने ये चीज़ जनरली ऑब्जर्व करी जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चलता है कि उनके पास करियर में कोई स्कोप नहीं है. दे हैव वेरी लिमिटेड स्कोप इन देयर करियर. जनरली वो क्या सोचते हैं कि हम बीए कर लेते हैं तो बीए के बाद हम सिर्फ एमए कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमने बीएड कर लिया, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि हम जो है सिर्फ टीचिंग के लिए बने हैं और बीए के बाद कोई स्कोप नहीं है. सिर्फ टीचिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें आप जा सकते हैं बीएड वगैरह करके या एमए करके, या बहुत ज़्यादा कोई अपग्रेड हो गया तो उसने एमए करके नेट निकाल लिया और पीएचडी कर ली और कहीं ना कहीं वो अपने आपको टीचिंग में ही टीचिंग तक ही अपने आप को लिमिटेड पाता है. और अगर आप उनसे पूछते भी हैं, अगर उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, उन्हें फ़ोन कॉल करता हूँ, जब बात करता हूँ तो ये पता चलता है कि उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो पीजी में. तो मैंने ये पाया कि उनको पता ही नहीं करना क्या है कि सर अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, अभी सोचेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, जो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे, या हवा चली हुई है. जब कहते हैं बीएड की तो उसे कुछ भी नहीं आता होगा तो वो कह देते हैं हम बीएड करेंगे या हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं. अब पूछेंगे बीएड के बाद क्या करेंगे तो हम सोचेंगे, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि बीएड करके क्या करते हैं. तो ये स्थिति है ज़्यादातर, खासतौर पर अगर बात करूँ जो हमारे यूपी के, बिहार के या इस साइड के जो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा अवेकेंड नहीं है. तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट है, मैं चाहता हूँ कि उनको उनकी पावर के बारे में बताऊँ कि आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या पावर है. सिर्फ साइंस के बच्चे ही, साइंस ही पढ़ के दुनिया में सब कामयाब नहीं होते हैं या कॉमर्स ही पढ़ के कामयाब नहीं होते हैं, आर्ट साइड से भी बच्चे पढ़ के बहुत कामयाब होते हैं. बट आपको एक सही दिशा की ज़रूरत है और सही दिशा निर्देशन की ज़रूरत है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट्स की क्या वैल्यू है. तो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा. हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए करते हैं, बीए में विभिन्न विषयों में हम लोग स्नातक करते हैं. जैसे कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, पर्शियन, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, उसमें आप बीए करते हैं. फिर उसके बाद हम जनरली लड़कियों की अगर बात करूँ, गर्ल्स की स्पेसिफिकली, तो वो बीएड को ऑप्शन बनाती हैं कि हम बीएड का टेस्ट देंगे और बीएड करके हम टीचिंग में जाएंगे. इसके अलावा भी बहुत फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है कि हम बीए के बाद एमबीए नहीं कर सकते, तो एमबीए भी एक कोर्स है जो कि आप बीए के बाद कर सकते हो. बहुत ही वेल प्रूवन और वेल टेस्टेड कोर्स है. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी हो या आपने बीबीए किया हो या साइंस से किया हो, आप बीए करके भी एमबीए कर सकते हैं. ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है कि जो आप अगर एमबीए करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. देखिए, जब चीज़ पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है. तो ऐसा नहीं, आप बीए करके एमबीए भी कर सकते हो और आगे भी कामयाब हो सकते हो. मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनकी बैकग्राउंड बीए है और वो एमबीए कर रहे हैं, उनके अंदर सीखने की क्षमता है, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो आप एमबीए भी कर सकते हैं और आप करियर में बहुत आगे जा सकते हैं. आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क, आपने एमएसडब्ल्यू का नाम सुना होगा, कोर्स होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है. तो आप एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है. उसके बाद आप जर्नलिज्म के फील्ड में भी जा सकते हैं, जो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके फील्ड में भी आप जा सकते हैं, जिसे करके आप टीवी एंकर बनते हैं या जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के फील्ड में या न्यूज़ रीडिंग के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं. उसके अलावा जो है आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं. बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है सिविल सर्विस क्या होती है. बीए के स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि सिविल सर्विसेज, जिसमें कि आप पढ़ के जो है आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या जो स्टेट लेवल की सर्विसेज होती हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके भी आप एग्जाम दे सकते हैं. यानी कि बीए करके आप गवर्नमेंट जॉब में, आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपका स्कोप है, ठीक है. आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हमें बैंक की तैयारी करनी है, तो बीए करके भी आप
बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें जैसे कि बैंक पीओ की नौकरी होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर उसमें आप जा सकते हैं, क्लरिकल की भी जॉब्स आती है उसमें आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप एमबीए भी कर सकते हैं, आप मास्टर सोशल वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया जर्नलिज्म का कोर्स जो होता है, जिसमें कि आप ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, न्यूज़ रीडिंग में और जो चैनल वगैरह होते हैं इसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग तो आपका एक कोर्स है कि आप टीचिंग में जा सकते हो, टीजीटी पीजीटी करके या बीएड क्वालिफाई करके या टीईटी सुपर टेट करके, लेकिन उसके अलावा भी आप सोच सकते हो। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार मेरा बीएड नहीं हुआ या मेरा टीचिंग में नहीं हुआ तो मेरे पास कोई और स्कोप नहीं। यू हैव अ स्कोप, बट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कोई लोग बीए ज्योग्राफी से कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत आगे अच्छा कैरियर है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि उसकी टीचिंग में जाएं, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं आप वो करिए। अगर आपने एमए ज्योग्राफी कर लिया है तो जो इंडिया की जो अगर आप इसकी फील्ड में रिसर्च में जाते हैं, अगर ज्योग्राफी में आप पीएचडी कर लेते हैं तो इसका बहुत स्कोप है। अगर आप हिस्ट्री से, अगर आप हिस्ट्री में पीएचडी कर लेते हैं, इसका बहुत आगे स्कोप है। इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपने बीए में इकोनॉमिक्स ले रखा है तो आप बहुत लकी हैं, और आप अपने सब्जेक्ट को कभी भी अंडरस्टेटमेंट मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स के फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स करके इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, इंडस्ट्री में जरूरत रहती है, टीचिंग में आप आ सकते हैं, उसके अलावा भी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से उसमें जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप बीए करके जा सकते हैं। तो बीए को आप अंडरस्टेटमेंट मत कीजिए, अपनी पावर को अंडरस्टेटमेंट मत कीजिए, सिर्फ बीएड तक ही मत है, क्योंकि मैंने देखा है लाखों लोग, करोड़ों लोग बीएड के पीछे भाग रहे हैं। इस कॉलेज में कितने टीचर बनेंगे, सब लोग टीचिंग के पीछे भाग रहे हैं, और कितना इस ये कंट्री है इस बीएड के लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो थोड़ा सा हट के सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि बीएड के पीछे भागते भागते, टीचिंग के पीछे भागते भागते आपकी एज निकल जाए, उम्र निकल जाए, और आप जो इससे बेटर पा सकते थे वो आप उसे लूज कर जाएं। तो अपने जो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड मत कीजिए, यू हैव सो मेनी स्कोप इन योर करियर फॉर आर्ट साइड स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप किस तरह की काउंसलिंग को कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि वो काउंसलिंग पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैं मुझे टाइम निकालना पड़ता है तो मैं आपको टाइम दूंगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ज करूंगा, लेकिन आपको ज़रूरतन आपको जो है एक सही दृश्य निर्देश मिलेगा, जो कि बच्चों को मैं देता आया हूँ और बच्चों से बहुत सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है और आपको सही दिशा मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू।